और ये देखिए पानीपत बाईपास का काम चल रहा है, ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है नया यहाँ पे, आपको आगे से घुमा के लाके दिखाता हूँ अपडेट। अब इसके इस तरफ की बाउंड्री वॉल बना के इसको पूरे को डन करेंगे। आप देख सकते हैं सामने बाउंड्री वॉल की कंस्ट्रक्शन चालू कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सीवर लाइन बनाई जा रही है पूरी नई, ये देखिए बाउंड्री वॉल खड़ी करी जा रही है। पानीपत बाईपास की भी अपडेट दी आपको कई दिन हो गए थे इस वाले फेज़ की, उधर से तो मैंने जहाँ से ये जो आगे पैच आएगा जो एक फ्लाईओवर अनकम्प्लीटेड है उससे आगे का तो मैंने आपको सारा ही दिखा दिया है, बट ये वाला दिखाया आपको 10-12 दिन हो गया तो आज सोचा आपको अपडेट दे दूँगा एक बेहतरीन। काम किया जा रहा था एस्फाल्ट का, बट अब वो काम डन हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ लेन मार्किंग का काम पेंडिंग है, बाकी सारा काम डन है इस हाईवे का। और बहुत बेहतरीन अपडेट दी गई है सरकार द्वारा हमें, पानीपत बाईपास का हाईवे बन जाने के बाद काफ़ी हद तक आदमी यूँ का टाइम बच जाएगा, क्योंकि जो जींद से साउदर्न हरियाणा से उस तरफ से भी जो भी पब्लिक आती थी उसका काफ़ी हद तक टाइम बचेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ के अंदर। आप देख सकते हैं बीच में प्लांटेशन ड्राइव भी बहुत बेहतरीन कर रखी है। पौधे बड़े भी होने लग गए हैं धीरे धीरे। यहाँ तो लेन मार्किंग भी हो चुकी है, पीछे की साइड लेन मार्किंग का काम पेंडिंग है, बट यहाँ तो लेन मार्किंग भी कर दी गई है, काफ़ी जल्दी जल्दी काम किया जा रहा है। ये देखिए बेहतरीन अपडेट, काम कंप्लीट नहीं हुआ आपको दिखाता हूँ, पर वही काम चल रहा है जो पिछली बार था, ज़्यादा कुछ खास काम हुआ नहीं है आप देख सकते हैं। बाकी एक बार आपको स्कूटी पे से उतर के दिखा देता हूँ।
पिछली बार आपको इस वाले का दिखाया था, इस वाले का भी दिखा देता हूँ आपको कैसा का काम हुआ और कैसा का नहीं। ज़्यादा काम नहीं हुआ है, वही पुराना वाला काम ही पेंडिंग पड़ा होगा। अभी कुछ खास काम की प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब तक वो पानीपत का बाईपास वो मेन कनेक्ट उसे नहीं किया जाएगा तब तक इसको बना नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके बनते इसके ऊपर ट्रैफिक का लोड, ऐसा गंदा ट्रैफिक का लोड आएगा आप यकीन मानिए कि बुरा हाल मच जाएगा। ये वो ड्रेन थी जिसके ऊपर से बनाया गया है, ये वो ड्रेन निकल रही है। फ्लाई ऐश डाल रखी है, बट अभी यहाँ पे फ्लाई ऐश डाल के मिट्टी डाल के काफ़ी काम करने पेंडिंग है, बट आप देख सकते हैं अभी कुछ खास काम नहीं हुआ है। वो जो सामने आपको फ्लाई ओवर दिख रहा है वहाँ तक की तो मैं अपडेट आपको दे ही चुका हूँ। उसके बाद अब ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चली रही है, बाउंड्री वॉल का काम होना भी पेंडिंग है। अभी बाउंड्री वॉल का भी कुछ खास काम नहीं किया गया है, बाउंड्री वॉल का काम अभी किया जाएगा कुछ टाइम बाद। बट आप देख सकते हैं लोग अब अभी से ही आने जाने लग गए हैं, तो लोगों को लगता है कि ये चालू हो चुका है, क्योंकि काम की प्रोग्रेस ही ऐसी ही चली है इसकी अब इन दिनों में कि लोगों को लगता है कि ये चालू हो चुका है, बट फिलहाल नहीं हुआ ये। नीचे देखिए इस तरीके से अभी एक बाउंड्री खड़ी करके बीच में इसके स्ट्रक्चर में इसको रोका जाएगा, क्योंकि बीच में एक इन्हें बाउंड्री देनी पड़ेगी जो एज ए डिवाइडर के तौर पे काम करेगी, तो वो काम चल रहा है आप देख सकते हैं। उस तरफ भी वैसा ही काम पेंडिंग है, इस तरफ भी यही काम हुआ है, अभी काम की प्रोग्रेस कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ी है। हाँ उस तरफ जो ये आगे के पिलर्स हैं, तो ये यहाँ पर सिंपल पिलर्स पड़े हैं उनके अंदर, इसके आगे वाले पिलर्स के अंदर सीमेंट भर के इन्हें तैयार किया जा रहा है, तो 10-15 दिन तो इसके अंदर लगेंगे अभी। बाकी लेबर बेचारे अपनी तरफ से काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस रहती है वो तो आगे देखा जाएगा। यहाँ पे भी सामने और नज़ारा देखिए बेहतरीन हाईवे का, यहाँ पे भी अभी राखी डाल के इसे और ऊपर उठाया जाएगा और फिर इन्हें बराबर करके यहाँ पर आगे चला जाएगा, देखते हैं कब तक ये काम डन होता है। अब देख ही सकते हैं तो देखिए वहाँ पे जानवर तो हाईवे के बनने से पहले आराम करने लग जाते हैं। सो जा भाई, सो जा सो जा। इंसानों से ज़्यादा तो बेचारे जानवर इंसान का कहना मानते हैं, चाहे वो आपको जानते हो या ना हो। ये देखिए अभी थोड़ा सा काम और पेंडिंग है, जैसे इसका देख सकते हैं वहाँ का फ्लोर बन चुका है, बट इसका फ्लोर अभी बनना बाकी है थोड़ा सा आगे का हिस्सा, पर इसको अभी पक्का किया जा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर बनाया जाएगा वो फ्लोर, बट अभी टाइम लग सकता है थोड़ा सा। और आप देख सकते हैं आसपास गांव वगैरह है,
यहाँ पर इन्हें बाउंड्री वगैरह देनी पड़ेगी, वरना साइड का ये ट्रैफिक भी अंदर घुस सकता है। तो बाकी आपको आगे की अपडेट दिखाता हूँ।